जो गुणवत्ता है या खूबी और खासियत है वह है नारी शक्ति की उपस्थिति। उस नारी शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि नारी शक्ति की सुगंध ही देश में परिवर्तन लाती है हमेशा। एक रानी लक्ष्मीबाई थी, वो मोदी विचार मंच में तो कितनी सारी लक्ष्मीबाई है, क्यों नहीं होगा, जो चाहेंगे वो। सबसे बड़ी आवश्यकता यदि समाज के लिए सुख शांति और समृद्धि के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है तो राष्ट्रीय अखंडता। राष्ट्रीय अखंडता के लिए इस देश में मोदी जी से बड़ा कोई महानायक है क्या? अखंडता और सामाजिक समरसता कब होगी? जब सनातन संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं पर हमारा विश्वास होगा। नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल, चिंतक और विचारक अशोक त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र की एकता और अखंडता के महानायक की संख्या दी है। नरेंद्र मोदी विचार मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री त्रिपाठी ने कहा कि इस मंच का गठन तभी सार्थक माना जाएगा जब वह मोदी जी की मंशा अनुरूप राष्ट्र निर्माण के लिए संकल्पित हों। मंच के गठन का लक्ष्य सभी के ध्यान में रहना चाहिए। हम अपने विषय को रखें, उसके पहले मंगल मंत्र के साथ बातचीत प्रारंभ होनी चाहिए। हम सब ठीक से बैठे, सीढ़ी कवर कर लें और अपने अपने स्तर से इसको दोहराएंगे, साथ में एक साथ बोलना शुरू करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवे। सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो, सभी निरोगी हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, यही नरेंद्र मोदी जी विचार मंच का लक्ष्य है ना? यदि यही लक्ष्य है, सब मानते हैं, तो अपने अपने स्थान पे हाथ खड़े कर दो। भारत माता की। कार्यक्रम में उपस्थित संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रवि चाणक जी, मंचासीन महामंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी विशेष अतिथि और इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी जो गुणवत्ता है या खूबी और खासियत है वह है नारी शक्ति की उपस्थिति। उस नारी शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि नारी शक्ति की सुगंध ही देश में परिवर्तन लाती है हमेशा। एक रानी लक्ष्मीबाई थी, वो मोदी विचार मंच में तो कितनी सारी लक्ष्मीबाई है, क्यों नहीं होगा, जो चाहेंगे वो। आज बहुत सीमित समय में मेरी इच्छा अपेक्षा ये है कि हम हो चाहे कोई भी वक्ता हो, हम उसको ध्यान से सुने और किसी भी प्रकार के व्यवधान के बगैर, क्योंकि आज जो विचार है नरेंद्र मोदी जी विचार मंच का साहित्य क्या है, संगठन क्या है, उसमें आपके स्वरूप को देखकर मैं समझ गया और जो मुझे समझ में आया यह है ध्यान में रखने लायक बात है, स्मरण में रखने वाला लायक बात है कि यदि हम नरेंद्र मोदी विचार मंच के एक सदस्य हैं या पदाधिकारी हैं तो नरेंद्र मोदी जी का विचार क्या है, उस विचार को, और मुझे लगता है कि जो कुछ भी आपके साहित्य में होगा वो यही होगा। सबसे बड़ी आवश्यकता यदि समाज के लिए सुख शांति और समृद्धि के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है तो राष्ट्रीय अखंडता, और राष्ट्रीय अखंडता का आधार है सामाजिक समरसता, और जो सामाजिक समरसता यह दिख रही है इस कार्यक्रम में, मध्यम स्तरीय कार्यक्रम में, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अखंडता और सामाजिक समरसता पूरी तरह से अंतिम लक्ष्य है। अब राष्ट्रीय अखंडता और सामाजिक समरसता से ये देश परम वैभव के शिखर पर पहुंचकर सोने की चिड़िया कैसे बनेगा? सोने की चिड़िया बनने के लिए दो आवश्यक बात तो हो गई, लेकिन इसकी तीसरी बात कहाँ होगी?
और एक एक चीज को हम संक्षिप्त में बता देंगे कि मोदी जी इस रूप में ये कर रहे हैं। क्या मुझे बताइए, राष्ट्रीय अखंडता के लिए इस देश में मोदी जी से बड़ा कोई महानायक है क्या? और राष्ट्रीय अखंडता कब होगी? जब देश के अंदर सामाजिक समरसता होगी। इस देश की संस्कृति, इसकी परंपराएं, गौरवशाली परंपराओं के प्रति जब श्रद्धा होगी तो वो पूरा देश एकजुट और एकमत होगा, तो सामाजिक समरसता भी होगी और अखंडता भी होगी। जैसे विद्यालय में रहते हैं ना, शिक्षक एक एक चीज से हाँ भरवाते हैं, वैसे ही हम कर रहे हैं। हमारा सोचना ये है कि कोई भेद विभेद हो तो बिल्कुल इस जो इस भाषण के बाद हमसे कहा जा सकता है। अब तीसरी चीज, अखंडता और सामाजिक समरसता कब होगी? जब सनातन संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं पर हमारा विश्वास होगा। और सनातन संस्कृति की गौरवशाली परंपराएं क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम्, अपने लिए नहीं अपनों के लिए। चाहे राजनीति हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे खेती हो, चाहे मजदूरी का काम हो, हर क्षेत्र में हम अपने लिए नहीं अपनों के लिए करें। और अपने वो हैं जो इस देश से प्यार करते हैं, उनके बारे में सोचें, वही हमारी संस्कृति का निकला हुआ सार है। इसकी रक्षा कौन कर सकते हैं? सक्षम महानायक नरेंद्र मोदी जी। अब संस्कृति के साथ अब चिंता करनी पड़ेगी प्रकृति की। मैं आज अभी इसी वक्त सारे प्रकृति के संसाधनों का उपभोग करके शिखर पर पहुंच जाऊं, ये पश्चिमी अवधारणा है। मैं प्रकृति का सीमित उपयोग करते हुए, प्रकृति से जितना लूं उससे चार गुना देने का भाव रखते हुए जब काम करूंगा, तभी मैं राष्ट्रभक्त कहलाऊंगा। ये भाव हम में है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस भाव को जगाना होगा। तो चार सूत्र हो गए ना, अखंडता, सामाजिक समरसता, संस्कृति और प्रकृति। संस्कृति क्यों जरूरी है? कि हमारी संस्कृति में ये चीज है जिसमें हम पानी, पेड़, पहाड़, पुराण, पुरुष, पत्थर सभी को पूजते हैं, देवता मानते हैं, नदियों को देवता मानते हैं और वृक्ष में भगवान शंकर का स्वरूप देखते हैं। ये देख इस मन से जुड़े हैं तो ये देखना आवश्यक होगा। तो चार चीज हो गई। चार के बाद जो विषय आता है वो विषय आता है बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश को यदि परम वैभव के शिखर पर ले जाना है तो जो नौ सूत्र बताने वाले हैं वो नौ सूत्र नौ शक्ति के हैं, नौ दुर्गा के हैं। पांचवा सूत्र है नारी सशक्तिकरण और नारी सम्मान, तभी निकलेगा परम वैभव का समाधान। हम नौ दुर्गा में नौ देवी पूछते हैं ना, ये ऐसी प्रतीक नहीं है, ये प्रतीक है इस बात का कि नव शक्ति, नव दुर्गा, नवा पारायण। भोपाल से खबर समय जगत के लिए आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।